सीतापुर जेल से रिहा हुए आजम खान 2 साल 2 महीने 23 दिन बाद हुई रिहाई। 27 फरवरी 2020 को जेल भेजे गए थे आजम। आजम की रिहाई के दौरान उनके बड़े बेटे आदेब और सीतापुर जेल में अब्दुल्ला भी रहे मौजूद। पिता को जेल से रिसीव करने अब्दुल्ला आजम भी सीतापुर जेल पहुंचे। आजम खान की रिहाई के वक्त प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव भी साथ में रहे मौजूद। शिवपाल ने कहा, आजम खान के साथ हुआ जुल्म नेताजी से सीखा, साथी का साथ देना। साहब के साथ देखिए, उन्हें 27 महीने जेल में बंद किया है, जुल्म हुआ है उनके साथ। तो हम तो केवल मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि संत हृदय के मुख्यमंत्री हैं, तो आगे भी जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ आगे संत हृदय बनाए रखें। देखिए, हमने तो नेताजी से सीखा है, कोई अगर साथी संकट में है, दुख में है, तो सुख दुख में उसका। आजम खान की रिहाई के दौरान समर्थकों की रही भारी भीड़। आजम खान के जेल से बाहर आने पर समर्थकों ने मनाई खुशी। जेल से रिहा होने के बाद सीधे सपा के पूर्व विधायक अनु गुप्ता के आवास पहुंचे आजम। महोली से पूर्व विधायक अनु गुप्ता के घर पहुंचे आजम। आजम खान की रिहाई पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया ट्वीट, लिखा, सपा के वरिष्ठ नेता विधायक आजम खान के जमानत पर रिहा होने पर हार्दिक बधाई, स्वागत। अनु गुप्ता के घर से रामपुर के लिए रवाना हुए आजम, करीब 5 घंटे का सफर तय कर अपने घर पहुंचेंगे आजम खान। ज्ञानवापी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में होनी अहम सुनवाई, दोपहर 3 बजे सुनवाई का वक्त। हिंदू पक्ष ने हलफनामा दायर करने के लिए मांगा था वक्त। इलाहाबाद हाईकोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद और श्री काशी विश्वनाथ मंदिर जमीन विवाद को लेकर होगी सुनवाई। हिंदू पक्ष ने एसआई से खुदाई कराकर सर्वे की मांग की है। ज्ञानवापी मामले को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है, कोर्ट का जो भी फैसला होगा उसका अनुपालन करेंगे। काशी का सवाल है, माननीय न्यायालय का जो भी निर्णय होगा हम उसका अनुपालन करेंगे, लेकिन ये सही है, तथ्यात्मक सही है, इतिहास में दर्ज है कि मुस्लिम आक्रांताओं ने हमारे मंदिरों को तोड़ करके कब्जा किया था। अब जो भी न्यायालय निर्णय देगा हम उसका अनुपालन करेंगे, उत्तर प्रदेश में कानून का राज कायम हो इसके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। जुमे की नमाज को लेकर आज वाराणसी समेत यूपी में अलर्ट जारी, AIMPLB की अपील को लेकर यूपी में अलर्ट। नोएडा में पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने पुलिस फोर्स के साथ सड़कों पर पैदल मार्च निकाला, सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया, पुलिस ने 5 किलोमीटर तक पैदल मार्च किया। मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद में आज होगी सुनवाई, गोपालगिरी की याचिका पर सुनवाई करेगा फास्ट ट्रैक कोर्ट, श्रीकृष्ण जन्मस्थान की 13.37 एकड़ भूमि मुक्त कराने का मांग। लखनऊ में नए चुने गए विधायकों की आज से 2 दिवसीय ट्रेनिंग, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला करेंगे कार्यक्रम की शुरुआत, इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में पुराने विधायक शामिल। माफिया मुख्तार अंसारी की पत्नी अफशान अंसारी और भाई की पर बढ़ सकती है उनकी मुश्किलें, मुख्तार अंसारी की पत्नी और उनके सालों पर लटक रही गिरफ्तारी की तलवार। रामपुर जिला प्रशासन ने आजम की जौहर यूनिवर्सिटी पर कर सकती है कार्रवाई, शत्रु संपत्ति पर कब्जे की कार्रवाई हो सकती है, 2 बिल्डिंग्स और मेन गेट को किया जा सकता है ध्वस्त। अखिलेश यादव के बयान पर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर का निशाना, कहा, अखिलेश अपनी सरकार में जिंदा लोगों को आवास नहीं दी, सिर्फ कब्रिस्तान की बाउंड्री कराई। सूची पहले से खराब रही है, लोगों को उन्होंने जो है अपनी सरकार में लोगों को जरूरत के जिनको आवास थे नहीं दिया, कब्रिस्तान की बाउंड्री कराई, वहाँ हैंडपाइप लगाया मुर्दों के लिए, जिंदा लोगों का। सहारनपुर में मनाई गई महाराजा भगीरथ जयंती, भाजपा नेताओं के साथ नजर आए धर्म सिंह सैनी, मुख्य अतिथि के तौर पर हुए शामिल। मथुरा पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, बांके बिहारी मंदिर गोवर्धन गिरिराज के किए दर्शन, डिप्टी सीएम वृंदावन की गौशाला भी पहुंचे, दामोदर दास बाबा का आशीर्वाद लिया। मथुरा पहुंचे डिप्टी सीएम से एक महिला ने नौकरी ना मिलने की बात कही, डिप्टी सीएम और उनकी पत्नी ने हर संभव मदद का दिया भरोसा। जालौन में सड़क पर उतरे एसपी, फोर्स के साथ पैदल गश्त की, कहा, ज्ञानवापी के मामले के बाद अफवाहों पर ना दे ध्यान, अराजक तत्वों की गिरफ्तारी की जाएगी। इटावा में डीएम और एसएसपी ने सभी धर्मों के धर्मगुरुओं के साथ की मीटिंग, ज्ञानवापी मामले को लेकर की बैठक, कोर्ट के फैसले को मानने की सभी से अपील। बिजनौर में कोतवाल को थाने में धमकी देने पर भाजपा नेताओं पर केस दर्ज, एसपी ने कपिल चौधरी सहित भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ किया मामला दर्ज। हमीरपुर जिले की भाजपा विधायक मनीषा अनुरागी ने अपनी ही सरकार की कानून व्यवस्था पर उठाई सवाल, स्थानीय पुलिस पर भी लगाए कई गंभीर आरोप।